Hello and welcome to my channel All About English. And today's session is all about vocabulary. Vocabulary, as we all know, means knowledge of words. शब्दों को अर्थ समझना, उनको sentences में use करना. सिर्फ knowing the meanings of words is not enough. You have to know how to use those words in sentences. You have to know the correct pronunciation. और इंग्लिश लैंग्वेज में एक और बात है कि एक ही शब्द के कई मीनिंग्स होते हैं. वन वर्ड हैज मेनी मीनिंग्स एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. सो उसका कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग समझना कि वहां पे उस सेंटेंस में उसका मीनिंग क्या है. फॉर एग्जांपल, प्ले, आई सॉ ए प्ले, अ ड्रामा, ओके, एंड इट्स ए नाउन, राइट, ओके. द प्ले वॉज स्टॉप्ड. गेम, again it's a noun, but I play hockey, here it's a verb. So ek hi word verb ki form mein bhi use ho sakta hai, noun ki form mein bhi use ho sakta hai, aur ek hi word ke bahut different meanings hote hain. Isliye ek shabd ko master karna, ek word ko master karne ke liye hame ye sab malum hona chahiye. Anyway, let's proceed further. Vocabulary jo hamari is waqt hai, bachpan se lekar ab tak, हम सुनने से या रीडिंग से या डेलिब्रेट लर्निंग से, कॉन्शियस एफर्ट के साथ हमने एक वोकैबुलरी हासिल की है. गुड वोकैबुलरी इज इम्पॉर्टेंट. हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, करेक्ट वर्ड्स का यूज करें, बिकॉज आपका ग्रामर अच्छा है, यू डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, दैट्स नो गुड, राइट. सो टुडे सेशन आई विल शेयर सम टेक्निक, सम टिप्स, सम एक्टिविटीज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, टू एनहेंस योर वोकैबुलरी, आपका शब्द कोश का ज्ञान बढ़ाने के लिए आज इस सेशन में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी कुछ गेम्स, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ टेक्निक्स वगैरह. सबसे पहले आई वॉन्ट टू शेयर वन फैक्ट कि इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी वर्ड्स दूसरी दो लैंग्वेज से लिए गए हैं, मेनली ग्रीक एंड लैटिन. फ्रेंच वगैरह से भी वर्ड लिए गए हैं, इवन हिंदी से भी, लाइक पंडित एंड गुरु आर देयर इन यू नो इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ इन ऑक्सफर्ड डिक्शनरी यू विल फाइंड दीज वर्ड, बट वो बहुत कम है बाकी लैंग्वेज, बट लैटिन और ग्रीक से बहुत ज़्यादा शब्द लिए गए, बिकॉज ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज थी एंड वेरी साइंटिफिक. क्यों, इनमें क्या होता है, इनमें वर्ड रूट्स होते हैं. सो उस रूट से, जो वर्ड रूट वर्ड है, उसे हम जितने भी वर्ड्स बनाएंगे उन सब का मीनिंग आप समझ सकेंगे अगर आपको सिर्फ एक रूट वर्ड का मीनिंग मालूम है, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ऑटो. ऑटो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सेल्फ, ऑटोमेशन, सेल्फ ऑपरेशन, ऑटोमेटिक, सेल्फ ऑपरेटिंग. ऑटोबायोग्राफी, ऑटो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है सेल्फ. बायो मीन्स लाइफ, ग्राफिक मीन्स कुछ लिखा हुआ, समथिंग नो स्क्रिबल्ड और रिटन, राइट. उसका हमने मिला के हम उसका अर्थ समझ गए कि अपने जीवन गाथा, किसी के वंस ओन लाइफ स्टोरी इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, राइट. सो बहुत अच्छा होगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये रूट वर्ड्स का मीनिंग मालूम करें, आप उसको यूज में कर रहे हैं. बेस्ट पार्ट इज आप वो जो वर्ड रूट्स हैं ग्रीक लैटिन के, उनको आप यूज कर रहे हैं, मतलब उनसे बने गए शब्दों को. You know them, but you don't know the actual meaning, right? Actual meaning होने से और कोई complicated word अगर उससे बना है तो भी आप समझ पाएंगे. बहुत सारे examples हैं, like अभी I just said bio, that is life, photo, which means, no, bio means life, photo, which means light, photosynthesis, the food making process in plants, which happens in the presence of sunlight, right? Phone means sound, tele, telephone, television, telepathy. Tele means far, distance. So telephone, sound coming from distance, telephone. Visuals coming from distance, television, right. Hemo is blood, kan means flesh, agri means open spaces, ter, T-E-R-R means earth. So terracotta, terrestrial, territory. ये सारे words ter, T-E-R-R से बने हैं. सो फर्स्ट टिप मेरी यही रहेगी कि आप इन रूट वर्ड्स का मीनिंग मालूम करें. आपको किसी भी
सर्च इंजन पर जाकर जस्ट क्लिक करना है रूट वर्ड एंड यू हैव अ लॉन्ग लिस्ट. उसमें बहुत सारे आपको फेमिलियर वर्ड्स मिलेंगे. आई कैन गिव यू अ चैलेंज. यू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ साइबर, मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड. आप पता लगाइए साइबर वर्ड का मीनिंग. इट्स अ चैलेंज फॉर यू. ओके, कमिंग गोइंग फर्दर नाउ. यू नो लाइक एक ही शब्द के कई सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं. हिंदी में भी है वो, लाइक सुंदर एंड आकर्षक और खूबसूरत एक्सेट्रा. इसी तरह इंग्लिश में भी एक ही वर्ड्स के और सब्स्टिट्यूट होते हैं. और सब्स्टिट्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि हर सिचुएशन में हम वो वर्ड यूज नहीं कर सकते. उसमें डिग्रीज का फर्क होगा, इंटेंसिटी का फर्क होगा, राइट? अपसेट, एंगर, ओके, फ्यूरियस, ये सब. सी, यू कांट से लाइक स्मॉल थिंग हैपन, यू कांट से ही इज फ्यूरियस, ही वाज फ्यूरियस. नो, ही इज जस्ट एंग्री. उसे भी थोड़ा कम डिग्री, ही इज अपसेट, आई एम अपसेट, राइट? यस, तो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं. इसको हम बोलते हैं थिसोरस. थिसोरस एक डिक्शनरी की तरह बुक है जिसमें एक ही शब्द के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स दिए गए हैं. तो आप अपना थिसोरस एक्टिविटी स्टार्ट कर लीजिए. कोई भी एक वर्ड लीजिए और उसके जितने भी आप और सब्स्टिट्यूट सोच सकते हैं उनको लिखिए. एंड देन यू सी कौन सी सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज कर पाएंगे. सपोज आई टेक अ वर्ड ब्यूटिफुल, सिंपल वर्ड, ओके, प्रिटी, राइट, गुड लुकिंग, हैंडसम, गॉर्जियस एंड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, रैविशिंग. ओके, सो आप अपनी थिसोरस एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए. हर रोज एक कोई वर्ड ले लीजिए, जितने मीनिंग जितने सब्स्टिट्यूट्स आपको आते हैं पहले वो लिखिए, उसके बाद नए सब्स्टिट्यूट्स ढूंढकर डिक्शनरी से आप उसमें ऐड करते जाइए. एंड यू सी हाउ यू क्विकली यू मास्टर ऑल दोज सब्स्टिट्यूट्स, राइट? थर्ड एक्टिविटी है, जैसे मैंने कहा कि एक ही वर्ड नाउन के तौर पर भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है. लाइक They prepared tasty small eats. यहाँ पे क्या prepare किया? Small eats. So small eats object है, तो ये एक noun है, right? But I don't eat mushrooms. यहाँ पे ये verb है, right? Eatable. Some mushrooms are not eatable. Now eatable क्या बन गया? Adjective, right? So एक ही word को हम वर्ब की तरह, नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं. दैट मीन हम एक ही वर्ड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें यूज कर सकते हैं. तो आप एक एक्टिविटी में आपके लिए ये सजेस्ट करूंगी. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाई, ओके, सेटिस्फेक्शन, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस? मैंने नाउन वाले सेक्शन में बताया था जो वर्ड्स शन में एंड होंगे वो हमेशा नाउन्स होते हैं. यस, सो सेटिस्फेक्शन इज नाउन. व्हाट विल बी द वर्ब? नाउ वर्ब्स के लिए आई विल गिव यू अ टिप. जो वर्ड्स फाई एन में एंड होते हैं वो वर्ब्स होते हैं. सो सेटिस्फाई, राइट? एडजेक्टिव सेटिस्फैक्ट्री. एंड लेट मी share another fact. Most adverbs are made from adjectives. Satisfactory, satisfactorily. Okay, so satisfactory. Right. So आप कोई भी word एक ले लीजिए. जरूरी नहीं है हर word change होगा. कुछ words verb नहीं बन पाएंगे, कुछ वर्ड्स शायद एडजेक्टिव ना बन पाए, पर जितना भी है, बट काफी वर्ड्स चारों में, लाइक ब्यूटी, आई जस्ट शेयर नो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई इज वर्ब, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, ब्यूटीफाई इज एडवर्ब, ब्यूटी इज नाउन एंड ब्यूटीफुली इज एडवर्ब. यहां पे आपको चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड आएगा. उनको हम कैसे यूज करेंगे अपने सेंटेंसेस में, राइट? सो एक ये मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूंगी. देन जंबल वर्ड्स, कुछ फन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं.
हर एक न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन सेक्शन में ये पजल आती है जंबल वर्ड्स की, जहाँ पे वर्ड्स मिक्स होते हैं, दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, राइट? एंड यू हैव टू पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर एंड फॉर्म द वर्ड. स्टार्ट डूइंग इट, यू विल सून सी दैट यू विल पिक अप स्पीड. फर्स्ट डे जो आपको वर्ड अनजंबल करने में टाइम लग रहा था, 3-4 एक वर्ड को 2 मिनट्स, वहां पे आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद आप यू आर एबल टू डू इट इन 20 seconds, 10 seconds. आई टिल नाउ, टिल टुडे आई डू इट एवरी डे, राइट? सो वो सब करिए. प्ले विद वर्ड्स, वर्ड्स को लाइक डिक्लेयर अ वर्ड ऑफ वर्ड फॉर द डे. ओके, लाइक दिस इज माई वर्ड फॉर द डे. न्यू वर्ड ले लीजिए या जो आप थोड़ा यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ यूजिंग इट इन ए सेंटेंस. होल डे यू रिमेन कॉन्शियस अवेयर अबाउट दैट वर्ड और उसको अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में, कॉन्वर्सेशन में यूज करिए. ऑलवेज रिमेन अवेयर, दिस इज द डे ऑफ द वर्ड फॉर मी एंड बाई द एंड ऑफ द डे आई शुड बी एबल टू यूज इट इन अ सेंटेंस इन एनी फॉर्म, लाइक एज ए नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. सो स्टार्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, इट्स लॉट ऑफ फन, राइट? ऑफकोर्स the best way to improve vocabulary is by reading and listening, and that's how we have built our vocabulary till now, whatever we know, right? So please do read some stuff every day. And let me tell you, when you learn a new word, when you read, immediately within 2-3 days you will find that word in that text which you read. So, do newspaper reading has multiple advantages. You get information, you get knowledge. So, I'll suggest start reading newspaper if you are already, you're not doing it already, right? And listening. There are panel shows, chat show in English. Listen to them. Listen to one at least English bulletin. You may find it little boring in the beginning. But let me tell you, very soon you will get addicted to it. Okay, and like my day is never complete without watching at least 3-4 bulletins. You need, and it requires very little time. All it requires is involvement, is the your sincerity, your discipline. That मुझे 10 मिनट तो देने ही हैं इंग्लिश के लिए. 10 to 15 minutes if you can spare every day, I tell you, आपकी इंग्लिश ग्रामर क्या, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश, आपकी वोकैबुलरी, एवरीथिंग विल इम्प्रूव. सो डू डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड स्टार्ट यू नो डूइंग व्हाट आई हैव सेड, द एक्टिविटीज एंड द टिप्स दैट आई हैव शेयर्ड. स्टार्ट प्रैक्टिस देम एंड सून यू विल फाइंड योर वोकैबुलरी ग्रोइंग. इट मे नॉट बिकम एज गुड एज डॉक्टर शशि थरूर्स वोकैबुलरी, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इट विल बिकम क्वाइट good, quite wonderful, and you'll be proud and you will be happy. That's in today's session. So take care, happy learning.